आजमगढ़ में वकील की पुश्तैनी जमीन पर दूसरे का कब्जा लिखवाने का आरोप लगाकर पुलिस के खिलाफ दीवानी बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर कचहरी के सामने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं आवास से कार्यालय की तरफ आ रहे डीएम के वाहन को भी नहीं जाने दिया गया। डीएम को वापस दूसरे रास्ते पर लौटना पड़ा। उधर अधिवक्ताओं की हड़ताल से जनपद के दूरदराज क्षेत्रों से अपने मुकदमे की पैरवी को आए वाद कार्यों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह ने बताया कि सिविल कोर्ट के अधिवक्ता देवेंद्र राम की तहबरपुर थाना क्षेत्र में पुश्तैनी भूमि है। उसी भूमि पर स्थानीय थाना पुलिस ने दूसरी की मंडई को जबरन रखवा दिया। अध्यक्ष ने बताया कि एसओ अभी थाने पर नए ही आए हैं, तभी आते ही अधिवक्ता की भूमि पर पैसा लेकर कब्जा दिलाने लगे। अध्यक्ष ने बताया कि एसओ अभी थाने में नए ही आए हैं, तभी लेकिन आते ही अधिवक्ता की भूमि पर पैसा लेकर कब्जा दिलाने लगे, जिससे अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। इसी को लेकर बार एसोसिएशन की कोर्ट खुलने के बाद सुबह बैठक हुई और न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि जब तक अधिवक्ता की भूमि पर उनका कब्जा दखल नहीं कराया जाएगा, तब तक वकील हड़ताल पर रहेंगे और इसी प्रकार से चक्का जाम करते रहेंगे। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। राम प्यारे सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़। आज यशो ताबरपुर के खिलाफ हड़ताल है, उनके ट्रांसफर के लिए हड़ताल है। हमारे संघ के देवेंद्र राम एडवोकेट की जमीन पर दूसरे का उन्होंने कब्जा दिलवा दिया। जो जमीन उनकी पुश्तैनी थी, उस पुश्तैनी जमीन पर उन्होंने कब्जा दूसरे का करवा दिया। और हमारी वार्ता हुई यशो महोदय से कि आप अभी चार्ज लिए हैं और आप आते ही जो है कब्जा करवा रहे हैं दूसरे की जमीन पर, वो भी अधिवक्ता की जमीन पर दूसरे की मंडई रखवा दिए, उसका कब्जा करवा दिए। और कहने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम इसमें इसको हटवाएं कि नहीं, तो दूसरे की जमीन पर कब्जा करा रहे हैं पैसा ले करके, इसी के खिलाफ में उनके ट्रांसफर के लिए हड़ताल है। उनका जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक उनका कब्जा दखल उस वकील साहब की जमीन का नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और चक्का जाम करेंगे। अधिवक्ता